उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण अभियान को लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज जमुना खास में लगाए गए पेड़ पौधे। आपको बता दें, जनपद अमरोहा में सरकार के वृक्षारोपण अभियान को लेकर सभी माध्यमिक कॉलेजों में वृक्षारोपण किया गया। वहीं इंटरमीडिएट कॉलेज जमुना खास में उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण अभियान को लेकर कॉलेज में 50 पेड़ पौधे लगाए गए, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कॉलेज में लगाने के लिए 50 पौधों का लक्ष्य दिया गया था। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य, अध्यापकों और छात्र छात्राओं से 50 पौधे लगाए। इसी के साथ प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने अध्यापकों और छात्र छात्राओं से लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। मैं प्रधानाचार्य इंटरमीडिएट कॉलेज जमुना खास, जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए, तो इसी क्रम में हमारे को जिला विद्यालय निरीक्षक अमरोहा के आदेशानुसार 50 पेड़ों की लक्ष्य निर्धारित की गई थी, जिसके तुलना में मैं विद्यालय में कम से कम 100-125 पेड़ों को आरोपित कराया हूँ। उसमें विद्यालय में जो कक्षाएं हमारी हैं, कक्षाओं के जो मॉनिटर हैं, उनके द्वारा भी एक एक पौधा लगवाया गया है, तथा जो भी हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और जो लिपिक वर्ग के बाबू लोग हैं, उनके द्वारा भी सभी के द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है। और हर साल जो भी मानक हमारे को लक्ष्य दिया जाता है, उसी के अनुरूप उसे 10-20 पेड़ अधिक ही लगवाते हैं। और लगवाना ही काफ़ी नहीं, उनकी देखभाल और उनको बचा लेना, मतलब यदि वो जीवित रहे, बच गए और बड़े हो गए, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी क्रम में हमारे विद्यालय के उत्तर साइड में एक बाग का भी आरोपण किया गया है, जिसमें आम के पेड़ हैं, अमरूद के हैं, जामुन के हैं और कई सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, आंवला के भी पेड़ हैं, और ये सब पेड़ लगाए गए हैं और चल भी गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनमें फल भी आने लगे हैं। तो इस प्रकार से अभी जैसे आपने देखा होगा, 2 साल पहले जो कोरोना काल में हमारे देश में अधिकांश जो मरीज थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो देहावसान हो गया या स्वर्ग को चले गए, तो इसी क्रम में हमारा सबका प्रयास है और भारत सरकार का भी प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को लगाया जाए, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। नाम सर सारिका त्यागी है, मैं यहाँ इंग्लिश की टीचर हूँ। और सर, सभी बच्चों ने बहुत हेल्प की है यहाँ पे, और सब ने चारों तरफ पौधे आरोपण में भाग लिया है, सब अच्छे से निभा रहे हैं इस चीज़ को। सर, आपको भी पता है कि बाढ़ का कितना सामना करना पड़ रहा है, उससे हम बच्चों को थोड़ा जागरूक करते हैं, और बच्चे बहुत अच्छे से, मतलब सभी लोग पेड़ पौधे ला भी रहे हैं और अपने स्कूल की मतलब प्रकृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे मतलब बाढ़ की समस्या भी दूर होगी, उस चीज़ को भी हम बच्चों को जागरूक करते रहते हैं। हम तुलाराम सिंह है और मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक के पद पर सामाजिक विज्ञान में कार्यरत हूँ। जो भी शासन स्तर से जो ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें जो भी हमारे कॉलेज को निर्धारित लक्ष्य दिया गया है, उसके अनुसार हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने की देख रेख में उसको पूरा कराया गया और सभी स्टाफ के साथ मिलकर के पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इसमें हमारे छात्र छात्राओं को भी सम्मिलित किया गया और प्रधानाचार्य जी का इसमें अभूतपूर्ण योगदान रहा और सभी समस्त स्टाफ। मेरा नाम सीमा त्यागी है और मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज जमुना खास में इंग्लिश की एक अध्यापक रूप में हूँ। और मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो अभी पर्यावरण दिवस बीता है, उसके लिए कि हमारे स्कूल में लगभग अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया गया, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनके द्वारा, क्लास टीचर्स द्वारा, और जो क्लास के मॉनिटर्स जो टीचर्स द्वारा बनाए गए हैं, मॉनिटर्स के द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया, और बच्चों को उसके बारे में बताया गया कि वृक्षारोपण का क्या महत्व है, वृक्षारोपण से मतलब क्या लाभ हैं। अगर वृक्षारोपण हम नहीं करेंगे तो शुद्ध जो हमें सांस लेते हैं, उसमें जो शुद्ध वायु हमें मिलती है, वो वृक्षारोपण के द्वारा ही मिलती है। अगर अधिक जितने अधिक से अधिक वृक्षारोपण होगा, उतने अधिक से अधिक मनुष्य स्वस्थ रहेगा और उसे जो सांस संबंधित प्रॉब्लम है वो कोई भी नहीं होगी। और बस इससे ज़्यादा आप हमारे स्कूल में देख सकते हो कि कितने अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जो कुछ छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बड़े प्लांट्स हैं, जो वाइस प्रिंसिपल इस स्कूल में किए जाते हैं, और कुछ टीचर्स हैं,
बच्चों से भी प्लांट्स मंगाए गए, बच्चों से बोला गया कि भाई पर्यावरण दिवस है, जो भी अपने अनुसार पौधा ला सकता है वो वृक्षारोपण करें, और बच्चों ने इस मामले में बहुत काफ़ी हद तक हेल्प की। अग्रवाल जी, संख्या में पौधे लगाए गए हैं और जितने पौधे हमारे यहाँ लगाए गए हैं उनसे बहुत अधिक फायदे हैं, जिससे बच्चों को जो है पूर्ण वातावरण सुप्रसिद्ध वातावरण मिल सकता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है, मतलब रात जैसे बच्चों को जो है प्योरली ये मान सकते हैं कि आप जैसे ऑक्सीजन मिलेगी तो उससे जो है मौसम सुहावना होता है, बच्चों को पढ़ने में मन लगता है, बीमारियाँ कम होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत से पौधे लगाए गए हैं जिससे बच्चे का मन लगा रहता है। प्रधानाचार्य जी यहाँ पर लगातार काम करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि एकेडमिक क्लासेस कैसे चल रही हैं, चारों तरफ पूरी व्यवस्था है या नहीं है, सारे दिन वो चारों तरफ दौरा करते रहते हैं और प्रॉपर काम कराते हैं उन्होंने, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड बनवाई हैं, कमरे बनवाए हैं, काफ़ी कुछ कराए हैं। किस पद पर तैनात हैं जी? इस टाइम तो सहायक अध्यापक में हैं, एक्चुअली सहायक अध्यापक जो जी जी यहाँ पे जो प्लांट्स लगाए गए हैं काफ़ी अच्छे प्लांट्स लगाए गए हैं, सभी तरह के हैं यहाँ पे, 100 में जो होते हैं प्लांट्स उनके बारे में भी बताया गया है, एंड जो फ्लावर्स से रिलेटेड होते हैं वो भी दिए गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा है जो पर्यावरण होता है हमारा, जो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है वो मनुष्य के लिए अति लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जो मनुष्य के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है, तो मनुष्य के द्वारा भी एंड प्लांट्स के द्वारा।